17वें मून स्कूल ओलंपिक में उद्घाटन के बाद खेल प्रतियोगिताओं का भी शुभारंभ किया गया। शुक्रवार को प्रारंभ हुई खेलों के महाकुंभ में बास्केटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित 17वें मून स्कूल ओलंपिक में खेल प्रतियोगिताओं का दौर भी प्रारंभ हो गया। उद्घाटन सत्र के बाद बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विकास भारद्वाज, रघु पंडित, राहुल शर्मा, वीरेंद्र मित्तल उपस्थित रहे। अतिथियों का स्वागत प्रतियोगिता के कन्वीनर रीनेश मित्तल ने बैच लगाकर और टोपी पहनकर किया। अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ किया और सभी को जीत की शुभकामनाएं देते हुए सभी को श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि विकास भारद्वाज और रघु पंडित का कहना था, मून स्कूल ओलंपिक शहर के खिलाड़ियों को एक बेहतरीन मंच दे रहा है जो उनको खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका देता है। इस तरह के आयोजन से अनेक खिलाड़ी आगे बढ़कर अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बड़े हर्ष का विषय है और गौरव का बात है कि आज 17वीं मून ओलंपिक आगरा में हो रही है और हर वर्ष की तरह बड़े हर्षोल्लास से ग्रामीण अंचल से लेकर शहर तक के सभी बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं और टीम स्पिरिट की भावना के साथ खेल रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मून की पूरी टीम को, माननीय राजीव भाई साहब को और उनकी पूरी टीम को, पालीवाल साहब को, कि वो लोग पूरे दम के साथ जितने खिलाड़ी हैं उनको इसमें खिलवाते हैं और खिलाड़ी टीम स्पिरिट के साथ इसमें खेलते हैं। हाँ, मुझे यहाँ पर वैसे तो मैं इसकी आयोजन समिति में हूँ, परंतु बास्केटबॉल का कन्वीनर बनाया गया है। बास्केटबॉल दो आयु वर्गों में 14 और 19 वर्ष में बालक और बालिका वर्ग के यहाँ पर टूर्नामेंट हो रहा है। इसमें लगभग 64 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं, अंडर 19 बॉयज़ गर्ल्स और 14 बॉयज़ गर्ल्स में। बहुत अच्छे मैचेज हो रहे हैं, खेल का स्तर बहुत अच्छा है और मून स्कूल ओलंपिक्स से जो स्कूल की प्रतिभाएँ वो आगे निकल के आती हैं, ऐसा मेरा मानना है कि और अच्छे बच्चे इससे निकलेंगे। और हम लोग क्योंकि आगरा बास्केटबॉल संघ से जुड़े हैं तो इसमें से अच्छे बच्चों को तराशेंगे और जिले और मंडल की ओर से खिलाएंगे। 17वें मून स्कूल ओलंपिक की बास्केटबॉल प्रतियोगिता में उद्घाटन सत्र शानदार मैच बालक और बालिका दोनों वर्गों में देखने को मिला। अतिथि भी खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखकर काफ़ी उत्साहित नजर आए। इस अवसर पर खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हुए राहुल शर्मा, वीरेंद्र मित्तल का कहना था कि स्कूल ओलंपिक के माध्यम से शहर की खेल प्रतिभाएं आगे बढ़ रही हैं और खेलों का यह ऐसा मंच है जो खिलाड़ियों को सभी खेलों में प्रतिभा करने का मौका देता है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं वीरेंद्र कुमार मित्तल, प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से हूं। 17वीं मून ओलंपिक की हार्दिक शुभकामनाएं और इनके आयोजकों का अभिनंदन, क्योंकि इतना छात्र छात्राओं का महासंगम लगाना, इतना बड़ा मेला लगाना एक मामूली काम नहीं है। और मून ओलंपिक पिछले 17वें चूँकि आयोजित कर रहा है तो 17 सालों से लगातार बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देता आ रहा है। मैं इनके आयोजकों को धन्यवाद देता हूं, छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं देता हूं कि स्वस्थ प्रतियोगिता करते हुए और अपने देश का, अपने समाज का, अपने शहर का नाम, अपने विद्यालय का नाम रोशन करें और आगे बढ़ इसी तरह निरंतर आगे बढ़ते रहें। आप देख रहे होंगे भारतवर्ष में जो मोदी जी के द्वारा खेलो इंडिया का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, उसको लेकर आगरा के अंदर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम मून ओलंपिक चल रहा है, जहाँ तकरीबन आसपास के सभी विद्यालय और ग्रामीण के विद्यालय यहाँ आए हुए हैं। आज कुश्ती की प्रतियोगिता है, बताया गया यहाँ 127 टीमें खेलने आई हैं, तो लोगों के अंदर जागृति है और बहुत अच्छा माहौल है। यहाँ खिलाड़ी खेल रहे हैं, युवाओं के अंदर जोश है और इसको देखते हुए हम आगे भी क्या कहते हैं इस तरीके से कार्यक्रम यहाँ मून के द्वारा होते रहें, बहुत अच्छा प्रयास है। खिलाड़ियों के अंदर खेल की भावना जागृत हो रही है और छोटे छोटे बच्चे खेलने मैदान में उतरे हुए हैं। 17वें मून स्कूल ओलंपिक की बास्केटबॉल प्रतियोगिता में 69 टीम अपना प्रदर्शन कर रही हैं। सीनियर और जूनियर दोनों वर्गों में आयोजित प्रतियोगिता में उद्घाटन के दिन मुकाबला शानदार रहा। प्रतियोगिता के कन्वीनर रीनेश मित्तल, आशीष वर्मा, हिमांशु, अविनाश शर्मा आदि मौजूद रहे। मून ओलंपिक्स द्वारा हर साल प्रोग्राम आयोजित किया जाता है और हर साल कम से कम हजारों बच्चों की तादाद में बढ़ती जा रही है, जिससे नए युवा बच्चों का अच्छा प्रोत्साहन मिल रहा है आगे बढ़ने के लिए खेल जगत में। और मून ओलंपिक का शुक्रिया है कि आगरा में सभी स्कूलों को और बाहर के स्कूलों को मौका दिया जा रहा है बच्चों को आगे बढ़ने के लिए। तो हमारी यही है कि ऐसे ही प्रोग्राम करते रहे मून ओलंपिक हर साल, जिससे बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो खेल कूद में। बहुत अच्छा, ये 17 वर्ष से लगातार ये आयोजन मून स्कूल की तरफ से होता चला आ रहा है
और आप देख रहे होंगे कि यहाँ एक बच्चों को प्रतिभा निखारने का एक मौका मिलता है। बहुत अच्छे आयोजन है, इस तरीके के से आयोजन आगरा शहर में होते रहने चाहिए, जिससे बच्चों की जो प्रतिभा है वो निखर के बाहर आएगी और यहीं से स्टेट के लिए और देश के लिए बच्चे तैयार होंगे, वो ओलंपिक में अपनी भागीदारी देंगे, इसी देश के लिए, हमारे देश के लिए गोल्ड सिल्वर और मेडल लेके आएंगे। सभी को मैं शुभकामना देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये अपने देश के लिए गोल्ड लेके आएँ, यही मेरी कामना है।